प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 में आकलन 9। आइए शुरू करते हैं। आकलन 9, सवाल नंबर 1। संख्या रेखा पर कथन -10 से 4 अधिक को दर्शाने वाला पूर्णांक है। -10 से 4 अधिक यानी -9, -8, -7, -6, तो कौन सा होगा? -6। सवाल नंबर दूसरा, निम्न में 3 से पूरी पूरी विभाज्य संख्या है। अब इनमें से 3 से पूरी पूरी विभाज्य संख्या कौन सी है पता करेंगे। तो हम सभी अंकों को जोड़ेंगे, 9, 10, 7, 17, 21, 22, 23। 23 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं होगी। अगली है, इन अंकों को जोड़ेंगे, 2 2 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 भी 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या विभाज्य नहीं होगी 3 से। अगला है, इस संख्या को, इन अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 8 10 और 1 11 और 1 5 16, यानी ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या, 3 और 5 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 1 18, 18 3 से विभाज्य है, यानी ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाज्य होगी, यानी 35,361। सवाल नंबर 3, निम्न में से 60 का एक गुणनखंड नहीं है। अब इनमें से देखेंगे कौन सी संख्या 60 का गुणनखंड नहीं है। देखिए, 15 60 का गुणनखंड है, 20 भी है, 30 भी है, 40 60 का गुणनखंड नहीं है। इस पे सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 4, संख्या 18 व 24 का लघुतम समापवर्त्य है। 18 और 24 का लघुतम समापवर्त्य कौन सा है? देखिए, हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इनमें 36, 48, 72 और 90, इनमें से एलसीएम है 18 और 24 का 72। अगला सवाल नंबर 5, निम्न 27, 90 एवं 15 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 17, 90 और 15, तो हम सॉरी 27, 90 और 15, तो हम 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, 27 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार से हम 90 के सारे गुणनखंड करेंगे, 90 के गुणनखंड, तो 90 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और 15 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 5। अब इनमें इनका सारे गुणनखंड 27, 90, 15 का सार्व गुणनखंड, देखिए जो तीनों मिल रहा है 3, तो सार्व गुणनखंड होगा इसमें 3। अगला सवाल नंबर 6, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हम इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। पहला है 32 और 24, तो यहाँ 32 के गुणनखंड करते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 24 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, जो दोनों मिल रहा है 2 2 2, 2 2 4, 4 2 8, तो महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? बराबर 8। अगला है ख, 36 और 72, इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 72 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। महत्तम समापवर्तक देखिए 2,
दो, तीन, तीन, दो दुनी चार, चार तिया बारह, बारह तिया छत्तीस, तो कितना आएगा 36। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, 50 से 100 तक संख्याओं में से जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा बनाइए, जो भाज्य नहीं है यानी अभाज्य संख्या। तो हमें 50 से लगा करके जो संख्या है हमें 100 तक पूछा है, तो आप ये 100 से ऊपर वाले इनको काट दीजिए क्योंकि हमें 100 तक ही पूछा है, तो आप 100 तक में बताएंगे। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये संख्या है भाज्य नहीं है यानी ये अभाज्य संख्या है। अगला सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। अंकों का योग जोड़ के यदि वह 3 का गुणज आता है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, और यदि सभी अंकों को जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वह यदि 3 का गुणज नहीं आता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। देखिए 219, 2 और 1 3 और 9 12, 3 का गुणज है तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। 560, 5 और 6 11, 3 का गुणज नहीं है तो ये संख्या इसके विभाज्य नहीं है। 102, 2 और 1 3, 3 से विभाज्य है तो 102 3 से विभाज्य होगा, हाँ। 3484, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। 5931, 5 और 9 14, 14 और 3 17 और 1 18, यानी 3 से विभाज्य है, हाँ। 1302, 3 और 1 4 2 6, ये 3 से विभाज्य है। 12459, 1 और 2 3 और 4 7 5 12 और 9 21, ये 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है, हाँ। अगला है 64520, 6 और 4 10, 5 15, 2 17, तो ये विभाज्य नहीं है। 97266, 9 और 7 16, 2 18 और 6 24 और 6 30, 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, हाँ। तो विद्यार्थियों ये था आकलन 9, आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझ के इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।